दलित समाज जो है वो किसके साथ है? बहन जी के साथ। चंद्रशेखर जैसे दावा करते हैं कि दलित समाज हमारे साथ है और बहन जी जो है काशीराम साहब के मिशन से भटक चुके हैं, इस पर आप क्या कहने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहन जी के साथ हैं। अच्छा, बहन जी के साथ हैं। हाँ, बहन जी के साथ। आपका सर क्या कहना है जो है 2022 में, क्या लगता है बसपा जो है पुनः 2007 दोहरा पाएगी या नहीं? 2022 में 101% BSP की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो सर्व समाज सबके हित का काम पहले भी किया है, आने वाले समय में भी करेंगे, क्योंकि इस समय जनता जो है त्रस्त हो चुकी है इस BJP सरकार से। आए दिन दंगा, क्योंकि BJP जो सरकार है वो राजनीति सिर्फ मुर्दों पे करती है, जैसे अभी गोधरा कांड कराया, मेरठ में कराया, उसके बाद आपका ये पुलवामा हमला पे करके राजनीति किया, आए अब किसानों पे ये राजनीति कर रही, किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहा है, हमारी जनता भी परेशान है, जिस देश की बहन बेटियां सभी लोग परेशान हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, जनता इतनी त्रस्त आ चुकी है। लखीमपुर जो घटना है उस पर क्या कहना चाहेंगे? लखीमपुर घटना जो हुई ये प्री प्लानिंग से BJP ने करवाया नहीं किया, जिसमें कि आप BJP के मंत्री के बेटे हुआ करते हैं, या जो गोरखपुर में कांड हुआ कानपुर का मनीष जी का, उनके भी जो रिलेटिव एक मंत्री के दामाद होते हुए भी उन्होंने पुलिस के SSP का काम करते हुए उनका मर्डर हुआ, लेकिन BJP सरकार उस पर कोई भी जांच नहीं कर रही है, ये प्लानिंग से पूरा काम कर रही है। अभी तक ये अरेस्ट नहीं हो पाए, FIR होने के बावजूद भी नहीं FIR। किस दावे से आप कह सकते हैं कि दलित समाज बहन जी के साथ है, जबकि चंद्रशेखर रावण जो है वो दावा करते हैं कि दलित समाज जो है हमारे साथ है और जो मायावती जी हैं वो काशीराम साहब के मिशन से भटक चुके हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानवर कांशीराम जी के मिशन से ना बहन जी भटकी हैं और ना ही दलित समाज भड़का हुआ है। आप इस जनता को देख के एहसास होगा कि ना ही जनता दलित समाज भड़का हुआ है, ना ही सर्व समाज। वो एक BJP के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, जहाँ 50 लोग लेकर के या मजदूरों को 100 रुपये मजदूरी देकर के हाय हाय करते हैं, और जहाँ पे देखते हैं वहाँ से कतराने का काम करते हैं। पहली चीज, और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो हिंदू धर्म के अलावा है, मुस्लिम धर्म हो, बौद्धिस्ट हो, वो यहाँ पर शरणार्थी बन के रहें या पाकिस्तान चले जाएं, क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? पहली चीज, वो संत नहीं ढोंगी है, अयोध्या के जितने भी साधु संत हैं वो सभी लोग बहन जी को अपना आदर्श मानते हैं और बहन जी की सरकार देखना चाहते हैं 2022 में। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा में लगातार जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं माननीय जो है सतीश चंद्र मिश्रा जी के और प्रदेश अध्यक्ष माननीय भीम राजभर जी के, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सिद्ध हो गया है कि 2022 में माननीय बहन जी की सरकार बनने वाली है। और रही बात अयोध्या की, तो अयोध्या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और वहाँ के लोग आपस में अमन चैन से रहते हैं, और वहाँ पे कुछ जो असामाजिक तत्व है, जैसे ये साधु संत जिस तरीके से आप देख रहे हैं फैजाबाद से गलत मैसेज देते हैं, वो बिल्कुल ही सरासर समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। हम भी लोग अयोध्या की धरती से हैं, हम भी लोग देख रहे हैं, हम लोग आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अयोध्या की धरती पर, अयोध्या विधानसभा में हमारा विधायक नहीं भी रहा, लेकिन आज भी अयोध्या में जितना बहन जी ने काम कर दिया है उतना काम आज ना भाजपा कर पाई है और ना सपा कर पाई है। अयोध्या की धरती पर आप जाकर देख सकते हैं, चाहे वो रामपैड़ी हो, चाहे आपका 14 कोसी 5 कोसी मार्ग हो, चाहे अयोध्या में जो है मान्यवर काशीराम साहब के नाम से बड़ी बड़ी इमारतें हो, चाहे वहाँ की सीवर लाइन हो, चाहे वहाँ का स्टेडियम हो, चाहे वहाँ का मंडलीय चिकित्सालय हो, अयोध्या विधानसभा में हमारा विधायक नहीं रहा, लेकिन अयोध्या में हमारे लोगों ने काम किया है, माननीय बहन जी ने काम किया है। 4 बार की सरकार में अयोध्या में बहुत काम हुआ है माननीय बहन जी की सरकार में। क्या लगता है चंद्रशेखर भी जो है दलित राजनीति में है और दलित की राजनीति करते हैं, क्या लगता है चंद्रशेखर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि वो ये भी कहते हैं कि दलित वोट जो है वो हमारे साथ है। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैं बताना चाहता हूँ, 2007 में जब बहन जी की सरकार बनती है तो बहन जी का जो वोट परसेंटेज रहता है 30% रहता है, लगभग 30%।
और 2012 में जब हमारी सरकार चली जाती है तो 24% हो जाता है और 2017 में हमारा 23% हो जाता है। विपक्षी दलों को ये नहीं सूझ रहा है कि ये वोट परसेंटेज कैसे हम बहन जी का तोड़े, तो बहन जी के वोट परसेंटेज में सेंध लगाने के लिए ये चंद्रशेखर रावण और बावन मेश्राम जैसे लोगों को लाकर हमारे लोगों से जो है क्या कहते हैं गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन हमारे लोग गुमराह होने वाले नहीं है। 2022 में माननीय बहन जी की सरकार बनना तय है, आपकी गुमराह नहीं होंगे। हम लोगों को मात्र 7% वोट चाहिए, 7% का अंतराल है, 23% हमारे पास आज भी डटा हुआ है। आज हमारी 2012 से 2021 चल रहा है, आने वाला 2022 है, 10 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन मेरा और भारी बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज जो है टूटने वाला नहीं है, बस 7% का इंतजार है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी को वह 7 नहीं लगभग 15% वोट मिलने जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने जा रही है। मेरा परिचय, मैं अयोध्या से हूँ, एडवोकेट राहुल सिंह नंदवंशी।